यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के उप बयान पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस यूपी में सभी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। इस बार कांग्रेस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बरेली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस यूपी की 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है, बाकी सब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस का संगठन यूपी की 80 सीटों पर अपना काम बहुत तीव्र गति से कर रहा है। अजय राय ने केशव मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि वो पहले अपने घर को देखें। उनके गृह जनपद कौशाम्बी में उनके बेटे ने गरीब की जमीन पर कब्जा किया है। वहां पर जमीन विवाद में 3-3 हत्याएं हो गई हैं। जो व्यक्ति अपने जनपद प्रदेश को नहीं देख पा रहा, वो चारों तरफ क्या देखेगा। हर तरफ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कांग्रेस ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 2024 की हमारी रणनीति, हम लोग दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा मेरठ में भी धमतेरा जिले के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, ठीक उसी प्रकार बरेली के अंदर हम अपने जोन में हमारे प्रदेश राष्ट्रीय सचिव तौकीर भाई हैं, हमारे प्रदेश के संगठन सचिव अनिल जी हैं, पूरी टीम लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को दिन रात मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत ऊर्जा के साथ 24 की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। केशव मौर्य अपने घर को पहले देखे ना, अब उनके घर का कौशाम्बी जनपद आप देखिए, उनके बेटे जमीन कब्जा कर रहे हैं। आपने देखा होगा उनका बेटा जो है वो जमीन, गरीबों की जमीन कब्जा कर रहा है, और वहां पर 3-3 लोगों की हत्या हो गई जमीन के विवाद में। 3 लोग मार दिए गए कौशाम्बी के अंदर, अनुसूचित जात के लोग। अपने जिले को नहीं देख पा रहे हो, अपने प्रदेश को नहीं देख पा रहे हो। मंत्री के घर में हत्या हो रही है, कौशल किशोर के घर में उनके बेटे की पिस्टल बरामद हुई और उसमें हत्या हो रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप उठाकर देखिए, चारों तरफ माहौल बिगड़ा हुआ है और अब कानून व्यवस्था जंगल राज कायम किए हो पूरी तरीके से, और आप कहते हो कि सरकार बनेगी। निश्चित तौर से उनको उखाड़ के उत्तर प्रदेश से फेंक देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।